जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल के सलाहकार श्री राजेंद्र नाथ भटनागर तशरीफ लाकर हो चुके हैं और इस वक्त सादर कदमी से सलाम नमस्कार करता हूं। इसके साथ ही हमारे पास
अनिल जी और गौरव जी का नहीं। प्रिय बच्चों, पिछले 3 वर्षों से जब हमारा काश्मीर एक नई सुबह दिख रहा है, एक सुबह जो आशा का वादा करती है, एक सुबह जो समृद्ध प्रगति और विकास को दर्शाती है। सरकार एक मजबूत जम्मू और कश्मीर बनाने और पीस प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी एंड पीपल के साथ आगे बढ़ना जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है यूपी का हर एक नागरिक अमन सुकून से अपना जीवन बिता सके। हेल्थ सेक्टर पिछले कुछ वर्षों में तेजी से प्रगति कर रहा है। माननीय एस एन महोदय के नेतृत्व वाले प्रशासन ने पूरे यूपी में चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को बढ़ाया, मदर एंड कार्यक्रमों को मजबूत किया। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट एक वर्ष में 20 से 17 तक 3 अंकों की गिरावट के साथ जो कि राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर हो गया। इसके अलावा प्रारंभिक नवजात मृत्यु दर को हटाकर 8 कर दिया गया जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर। 4 करोड़ में ज्यादा से जम्मू काश्मीर में 2 एम्स बनाए जा रहे हैं। जम्मू में इसका काम इसी वर्ष पूरा कर दिया जा रहा है। काश्मीर में इसका काम 2025 तक पूर्ण होगा। 1596 करोड़ में ज्यादा से 7 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज, 15 नर्सिंग कॉलेज, 212 करोड़ में लागत से कैंसर संस्थान तथा 7 करोड़ रुपए की लागत से 350 स्वास्थ्य परियोजनाएं प्रगति की है। प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत 881 करोड़ रुपए की 140 परियोजनाओं में से 115 परियोजनाएं पूर्ण कर दी गई है और 625 प्रगति की है। मेडिकल एजुकेशन में पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में 2100 से अधिक सीटें जोड़ी गई हैं, 600 एमबीए सीटें बहाल की गई हैं। इस प्रकार प्रगति लाख जनसंख्या पर एमबीए सीटें 1.3 हो गई हैं जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक। साथियों, जम्मू काश्मीर मुख्य रूप से ये विशिष्ट प्रधानमंत्री जिसकी 70% आबादी कृषि तथा जमीनों पर निर्भर है। जम्मू काश्मीर के कल्याण का सीधा संबंध उसके किसानों के कल्याण से है। किसानों का कल्याण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता है। इसके अंतर्गत सभी पदों को जन्म किया पीएससी और एसएससी द्वारा बनाने के लिए पिछले 3 सालों में
دیگر قسم کے نظر و نیاز اور خیرات کر کے حالات کو سازگار بنانے کے لیے بزرگوں سے دعائیں بٹوری لی جاتی تھی. آج کی سب سے پہلی پیشکش پیش کیا اور ہر گروپ کی طرف سے جو کابشوں کا اعزاز ہے کہ یہ ساز پوری دنیا میں پھیلا ہے, اس کی خوشبو, اس کی سرو کی مہک پوری دنیا میں پھیلی ہے. میرے منہ سے الفاظ نکلے تھے کہ سامنے پہاڑ ہو تو سنگھ کی دہاڑ ہو. ایس ایس پی رمدھیر سنگھ, پریڈ کمانڈر. میں ہماری خصوصی سے اعزاز حاصل کرتے ہوئے اور آپ سے گزارش کہ آپ زوردار تالیوں سے ان لمحات کو اور زیادہ پر رونق بنائیں. اور اس کے بعد سی آر پی ایف کے آج کے کنٹینجنٹ کمانڈر اسسٹنٹ کمانڈر شری سدھیر سنگھ انعام حاصل کرتے ہیں. انعام کے لیے اور جو فرسٹ پرائز ہے فور دا بیسٹ کنٹینجنٹ, پہلا انعام سر یہاں سر کے لیے مہمان خصوصی سے شری رام پبلک اسکول ان دا بیسٹ اسکول کنٹینجنٹ کیٹیگری. اور جو فرسٹ پرائز ہے, پہلا انعام ہے اسکول کنٹینجنٹ یوم جمہوریہ کی تقریب کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اپنی کاوشوں سے اس پوری تقریب کو کامیاب سے کامیاب تر کر دیا, شاندار سے شاندار تر بنا دیا. وہ مہمان خصوصی سے انعام حاصل کرتے ہوئے گوز ٹو گرلز ہائر سیکنڈری اسکول نوکدل کلچر پروگرام کی کیٹیگری میں